फिर तुम लोग पिकनिक जा कैसे रहे हो? दादाजी, इनके पास इंटरनेशनल सवारी है ना, चुलबुल। ये इस गधे पे बैठेंगे, उसके सामने गाजर लटका देंगे और वो बेचारा भागते हुए इनको लेक साइड ले जाएगा। दादाजी डोंट वरी, हम चले जाएंगे। ओके, एंजॉय। ये मेरा मजाक उड़ाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन जब मेरे दोस्तों का मजाक उड़ाता है तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। चलो उसे अच्छा सबक सिखाते हैं। ओके, बड़ा मजा आएगा। इमली, हम लोग बंटी को डोंकीज का सीक्रेट नहीं बताएंगे। कौन सा सीक्रेट? यही कि अगर डोंकीज के सिर पे जोर से चूमो तो उनके सिर पे स्टेयरिंग और पैर में व्हील्स निकल आते हैं और उन्हें स्कूटर की तरह किक मार के स्टार्ट करके ले जा सकते हैं। ओह हाँ, मैंने भी कहीं पढ़ा था। शुक्र है बंटी यहाँ नहीं है। चलो अब हम पिकनिक पे चलें। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। फेकी फेकी, देखो मैं तुम्हें ऐसा सीक्रेट दिखाऊंगा जो किसी को नहीं पता। डोंकीज भी स्कूटर कार की तरह चल सकते हैं। मैं सब बाल चले गए। इसके सिर पे स्टीयरिंग निकल आएगा और पैरों में व्हील्स। मेरा स्कूटर बनाएगा, अभी मैं तेरा हवाई जहाज बनाता हूँ। नारियल पानी पीने का मन कर रहा है, अभी एक नारियल नीचे गिराता हूँ। मेरा पैर! काश ये नारियल अपने आप नीचे आ जाते, फिर मैं जी भर के नारियल पानी पीता। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दम आदम। नारियल पेड़ की नारियल अपने आप नीचे आके चुलबुल के सामने हाजिर हो। वाओ वीर, देखो देखो, नारियल खुद पेड़ों से उतर रहे हैं। ये हमारी दोस्तों को खाने वाला है। कोकोनट यचे। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? चिंटू, ये जादू के नारियल बना के गायब मत हो जाना। तुम कौन हो? आओ मैं बताता हूँ। चिंटू उन्हें रोको, वो भाग रहे हैं। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। हे रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रुक भी जाओ। वो मेरी जादू से बने हैं, इसलिए अब मेरा जादू उन पे काम नहीं कर रहा है। जब तक वो खुद ना चाहे, मेरा जादू उन पे काम नहीं करेगा। चलो उनको पकड़ते हैं। ये क्या बना है भाई? अरे बचाओ!
नहीं होता। अरे क्या कर रहे हो, हटाओ अपनी गाड़ी। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। अरे ये क्या, मेरी कार, वो मेरी मोटरसाइकिल लेकर भाग रहे हैं। भी करो पकड़ो उन्हें, मैं भी कोशिश करता हूँ। वापस पेड़ पे चले जाओ वरना मुझे गुस्सा आ गया तो। मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? ऊपर वाले, इसका मैं क्या करूँ, ये कब बंद होगा? जिंटू कह रहा था जब तक ये खुद ना चाहे उसका जादू इन पे असर नहीं करेगा। तुम कहना क्या चाहती हो इमली? कुछ ऐसा करो कि ये अपनी मर्जी से घर जाने को तैयार हो जाए। ओह चुलबुल, वो नारियल कहाँ है? तुम मुझे यहाँ चाट खिला रहे हो और वहाँ वीर अकेला उनसे लड़ रहा होगा। वेरी गुड, आप चलो जल्दी। जवानों, इस लड़के को चारों तरफ से घेर लो और ये एक साथ अटैक करना। यस सर। इमली तुम दूर जा वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। मैं जा रही हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये एक आर्मी की तरह बिहेव करते हैं। चिंटू आ जाए तो तुम ये कर सकते हो, शायद ये काम कर जाए। सारी दुनिया के नारियलों के लीडर हैं। जैसे ही हमें तुम लोगों के बारे में पता चला हम आ गए। गुड जॉब डन, तुम लोगों ने अच्छा युद्ध किया। वो लड़का चला गया है, जीत तुम्हारी हुई। अब तुम सब थक गए होंगे,
घर जाके आराम करने का समय है। क्या तुम सब घर जाके आराम करना चाहोगे? ये सब अपने घर जाने को राजी है, इन्हें घर भेज दो। ओके, अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। इमली थैंक्स, तुमने अच्छा आइडिया दिया था। चुलबुल, आप फिर कभी नारियल पानी पीना हो तो खरीद के पी लेना, उन्हें पेड़ों से उतरने को नहीं कहना। मेरे लिए तो गाजर ही ठीक है, नारियल पानी बहुत भारी पड़ा। दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए खेलने का मन ही नहीं कर रहा। तबीयत क्यों ठीक नहीं है, क्या हुआ? दादाजी की ओल्ड एज की वजह से ये सब हो रहा है। ओल्ड एज में कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। ये लो, अभी ठीक कर देता हूँ दादाजी को। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अब दादाजी की तबीयत खराब नहीं होगी, चलो कुछ खेलते हैं। अब मेरी तबीयत एकदम ठीक है। वीर, मैं बाजार से सामान लेकर आता हूँ। वो कौन है? वो दादाजी है। इमली ने कहा कि ओल्ड एज की वजह से उनकी तबीयत खराब हो रही थी, इसलिए मैंने उन्हें यंग बना दिया। अब उनकी तबीयत खराब नहीं होगी। तुम्हारे दादाजी कितने स्मार्ट लग रहे थे। मैं भी जाके देखता हूँ कि मेरे नाना जी यंग होके कैसे दिखेंगे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इमली, जल्दी चलो इससे पहले कि कोई दादाजी को पहचान ले। बॉस, ये गन कैसी है? ये वायरस बॉल फेंकने की गन। उस जेली बॉल में ऐसे वायरस हैं जो वीर के बदन में चले गए तो उसका इंटरनल कमांड रिसीविंग सिस्टम फेल हो जाएगा। उसकी बॉडी में हर सिचुएशन से फाइट करने के लिए अलग अलग सूट्स हैं, अलग अलग हथियार हैं। वो सब वीर के कमांड पे ही निकलते हैं, लेकिन इस वायरस से उसका कमांड उसके सूट्स और हथियार पे नहीं चलेगा। वो एक नॉर्मल रोबोट जैसा हो जाएगा, विदाउट एनी वेपन, विदाउट एनी सूट। मिया, बॉस, यू आर जीनियस। तुम ये गन लेकर जाओ और अपना काम करो। थैंक यू बॉस, थैंक यू। कहाँ जा रहे हो? मैं अपना काम करने जा रहा हूँ बॉस। मैं कपड़े धो रहा था। कपड़े बाद में धोना, जाओ और वीर के बदन में इस वायरस वाला जेली बॉल मार दो। वो नॉर्मल रोबोट हो जाएगा और उसे उठा के यहाँ ले आओ। याद रहे, निशाना ठीक से लगाना। किसी आदमी के बदन में ये जेली बॉल लग गई तो उसके बदन में इतनी खुजली होगी कि वो परेशान हो जाएगा। तेरा निशाना एकदम परफेक्ट है बॉस, ये देखिए। दिखाओ। अरे अरे, क्या देख रहे हो? वो देखिए,
ये चमत्कार कैसे हो गया? दादाजी ये चिंटू का चमत्कार है। घर चलिए इससे पहले कि कोई आपको पहचान ले। चिंटू, यकीन नहीं हो रहा मैं फिर से जवान हो गया हूँ। वैसे मैं कैसा लग रहा हूँ? आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। आपको इस रूप में दादाजी नहीं भैया कहने का मन कर रहा है। हंसी के फवारे यहाँ खत्म होते हैं और आंसुओं की नदियाँ अब बहना शुरू होगी। सॉरी, डोंट माइंड। मुझे कुछ नहीं हुआ इमली, इसकी टॉय गन में तो दम ही नहीं है। गन का दम अभी दिखेगा। दादाजी आप लोग साइड में हो जाओ। विंग सूट ऑन। उसने गन से तुम्हें जेली बॉल मारा है। उसने तुम्हारे कमांड सिस्टम को करप्ट कर दिया है। तुम्हारे अंदर का सिस्टम जाम हो गया है और कमांड नहीं ले रहा। चलो दोस्तों, इस मामूली रोबोट को उठा के ले चलो। खबरदार मेरे वीर को छुआ भी तो। देख क्या रहे हो? A for attack! नहीं, अब रोबोट्स को बुलाना होगा। इट्स ओके, मैं तैयार हूँ। दादाजी, तुम दादाजी को देखो, मैं इन्हें संभालता हूँ। Thank you.
तो तुम्हें कोई नहीं बचा सकता, खुद ऊपर वाला भी नहीं। मैड मैक्स, ऊपर वाले पर कभी शक मत करना, वो कभी भी कहीं भी किसी भी रूप में आ सकता है। दादाजी, ये टाइमली एंट्री मारी है। अरे मेरे से हैंड शेक तो करते जाओ। हे वीर, देखो मेरे नाना जी कितने हैंडसम लग रहे हैं। नाना जी, मीट दादाजी। ओ, आपको भी इसने यंग कर दिया है। ओ नो, चिंटू जल्दी से हमें नॉर्मल करो। ऐसी जल्दी क्या है, चलो दोस्त हम दोनों बाजार घूम के आते हैं, जब घर आ जाएंगे तो वापस नॉर्मल कर देना। फ्रेंड्स, आज हम सब गार्डन में एक बड़ा सा क्रिसमस ट्री सजाएंगे और हम सब एक साथ क्रिसमस मनाएंगे। मेरे पापा तो बड़ा क्रिसमस ट्री लाए हैं। अच्छा, कितना बड़ा? बहुत बड़ा, और मैं उसे अपने घर के सामने लगा के सजाऊंगा। लाओ देखते हैं कितना बड़ा है। दिखाता हूँ। डूबने से बचा लिया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। वीर, तुम्हें ऐसा खतरनाक स्टंट नहीं करना चाहिए, तुम बच्चे हो। दादाजी, मैं तो एक रोबोट हूँ, अगर बच्चा होता तो ऐसा स्टंट कभी नहीं करता, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बच्चों को ऐसा खतरनाक स्टंट कभी नहीं करना चाहिए। और दादाजी, मैं तो हर बच्चे को यही बताता हूँ। गुड वीर, मुझे उम्मीद है हर बच्चा तुम्हारी बात जरूर मानेगा। आओ, आओ, कौन मेरे साथ मेरा क्रिसमस ट्री सजाएगा? हम तो गार्डन में ही अपना क्रिसमस ट्री सजाएंगे। जाओ तुम अपना ट्री खुद सजा लो। चलो हम लोग गार्डन में जाकर अपना क्रिसमस ट्री सजाते हैं। चलो चलते हैं। बाय। ये रहा, आज हम इस क्रिसमस ट्री को ऐसा सजाएंगे कि लोग देखते ही रह जाएं। ये कौन सी बड़ी बात है, अभी लो। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। अगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम, सब पहले जैसे हो जाए। हम सब शाम को क्रिसमस ट्री सजाने का सामान लेकर आएंगे और ट्री को सजाएंगे, क्यों भी ठीक है ना? ठीक है, हम सब शाम को आएंगे। ओके। टिम्बक्टू, आज क्रिसमस है और इस मौके पर देखो मैंने एक फ्लाइंग स्लेज बनाई है, वैसी ही जैसे सेंटा क्लॉस की होती है, जैसे क्रिसमस फादर की होती है। बॉस, क्या मैं इस पे उड़ सकता हूँ? तुम ही उड़ोगे टिम्बक्टू, तुम ही उड़ोगे। मेरे तेज दिमाग में उससे भी तेज आइडिया आया है। सुनो, तुम क्रिसमस फादर के भेष धर के जाओगे और हवा में उड़ते हुए हर छत पे जाके बच्चों को गिफ्ट दोगे। फिर क्या होगा बॉस? फिर वीर के दोस्त भी छत पे तुमसे गिफ्ट लेने आएंगे, तुम उनमें से किसी एक को पकड़ के यहाँ ले आना। वीर उसे छुड़ाने यहाँ आएगा और फिर सोचो कि क्या होगा। बॉस बॉस, वीर क्रिसमस के दिन यहाँ आएगा और हमने उसके लिए केक तक नहीं बनाया है। बेवकूफों के सरदार, बिना पानी की टंकी, बिना आवाज की घंटी। अरे मैं उसे यहाँ केक खिलाने नहीं बुला रहा, बल्कि उसे यहाँ बुलाकर खत्म कर दूंगा।
You're genius, boss. Ugly, madly genius. Meow. She is right, boss. She is right. लेकिन ये एडली मेडली क्या है बॉस? ये एडली मेडली क्या है? नाना जी को क्रिसमस विश करके आ जाऊं? तुम्हारे जिनलैंड में भी क्रिसमस मनाते हैं? वहाँ हर त्योहार मनाते हैं। चिंटू तुम जाओ और नाना जी को विश करके आओ। थैंक यू। अगड़म बगड़म आलम फालम इकड़म तिकड़म दम दमादम। बच्चों, आप सबको क्रिसमस की ढेर सारी बधाई। आज रात सब अपने अपने छत पे रहना, क्योंकि सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और आप सब बच्चों को गिफ्ट्स देंगे। तो भूलना मत अपने अपने छत पे रहना। अरे, ये कैसे हो सकता है? पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। अपनी छतों पे चलना चाहिए। सांता क्लॉज उड़ते हुए आएंगे और हम सबको गिफ्ट्स देंगे। हाँ हाँ, चलो देखते हैं कैसे उड़कर आते हैं और हम सबको गिफ्ट देते हैं। हाँ हाँ, चलो मजा आएगा। उड़ते हुए सांता क्लॉज गिफ्ट्स देंगे। चलो। उसके भेष्ट में टिम्बकटू को भेजा है ताकि किसी को शक ना हो और इमली को पकड़ के ले जा सके। ओह, तो ये तुम हो। फौरन नीचे उतारो वरना वीर तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ हाँ इमली, आज मैं वीर को नहीं छोड़ूंगा। विंग सूट ऑन। विंग सूट ऑन। तुम्हारा ही इंतजार था। Ha ha ha!
ये छोटी सी लड़की बड़ी तेज है। अभी बताता हूँ इसे कि मैं क्या हूँ। तुम ठीक तो हो ना इमली? ओ वीर, मैं ठीक हूँ। वीर बचाओ, मेरा हाथ छूट रहा है। वीर सॉरी सॉरी, मैं तो बॉस के कहने पर ये कर रहा था। मैं तो तुम्हारे लिए केक लाया हूँ वीर, प्लीज बचा लो मुझे। थैंक यू वीर, तुम बहुत अच्छे हो। मैं बॉस से छुपा के तुम्हारे लिए केक लाया हूँ, ये देखो।